जय मा सरला जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, एस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मुझे राष्ट्रफ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आप स्वागत कर। दर्शक बंधु, आज एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक ऊपर हम आलोचना करिबा। दर्शक बंधु, आज अध्याय हम आलोचना करिबा दीपावली दिन के जगार दीप प्रज्वलन करिबा, प्रकृत रे शास्त्र रे कौन रही यार प्रमाण, केउ जगार केतेटा दीप आम दबा जहाद्वारा कि दीपावली जो पुण्य फल आमको प्राप्त होवा सहित माता लक्ष्मी कृपा आमको प्राप्त हो पार। बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छे आपको निवेदन करी शेष पर्यंत देखु। जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करूँ, वीडियो को लाइक करेंगे। आपन में टॉपिक को नहीं जदि किसी क्वेश्चन बा डाउट थाए मत कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखे। एमती दीपावली को नहीं बहुत सारा वीडियो मुझे अपलोड करी आपण कम आसला भाई से सब टॉपिक था। जदि आप मिस करते आपन वीडियो सेक्शन को जी आप देखिपर। दर्शक बंधु, आउ डेरी करिबानी आसंत आरंभ करिबा आजर अध्याय। बार मास मध्यरे केते गुडिये मास रहिछन्ति जहा होछन्ति श्रेष्ठ मास। सेही श्रेष्ठ मास मानक मध्यरु कार्तिक मास अन्यतम अटे। शास्त्र कहन्ति सुपुण्ये कार्तिके मासि देवर्षे पितृषे विते क्रियमाणे प्रतप्नूनं संकल्पे च महाफलम्। शास्त्र कहते कि कार्तिक मासर महापुण्य फल प्राप्त करने देवता ऋषि पितृपुरुष विशेष भाव में पूजा अर्चना करने उचित। यह कार्तिक मास को धर्म मास कहुए। कथार अच्छी कार्तिक मास रे बग आमिष परित्याग करिथा। नंदी पुराण मध्य सुंदर कथा प्रतिपादन करती। शास्त्र कहते जो नर कार्तिक मासम मांसम तु वर्जयेत् संवत्सरस्य लभते पुण्यम मांसस्य परिवर्जनम्। अर्थात कार्तिक मास रे जो व्यक्ति विशेष माने आमिष वर्जन करती से माने एक वर्ष मांस भक्षण त्यागर पुण्य फल को भोग करती। आहुरी मध्य शास्त्र कहते कौमुदम तु विशेषेण शुक्ल पक्षे नराधिप वर्जयेत् सर्वमांसानी धर्म यत्र विधीयते। शास्त्र कहले कि जदि आपण पूरा मासरे आमिष त्याग करि न पारिबे ताहले कार्तिक शुक्ल पक्ष रे वर्जन करिबा निहाति उचित। अर्थात दीपावली अमावास्यार परदिन ठारु कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत आमिष भक्षण त्याग करिबा उचित अटे। कार्तिक मासर अमावास्या तिथिर गुरुत्व महत्व विशेष भाव रे रहिछि। कार्तिक अमावास्या को दीपावली अमावास्या मध्ये कहा जाय। दीपावली रो अर्थ दीप आवली अर्थात दीपमाला दीप समूह को दान करिबा। एणु यह दीपावली रे दीपदान करिबार विशेष महत्व रही। दीपावली अमावास्या रे केउ केउ स्थान रे आमे दीपदान करिबा आम शास्त्र सुंदर भाव रे निर्देश दियंती। प्रथम दीपदान भगवान सूर्य नारायण को करिबा उचित। शास्त्र कहते जपूर्ज्यात कार्तिक मासी शोभनम दीपमालिकाम शास्त्र कहले कि दीपावली दिन प्रथम दीपदान भगवान सूर्य नारायण को करिबा उचित। आहुरी मध्य शास्त्र कहते अमावास्या च निर्दिष्टम द्वादशी च महाफला अश्वजुज्यामति मैया कृष्ण पक्षे जदा भवेत् अमावस्या तदा पुण्यम द्वादशी च विशेषता देवस्य दक्षिण पार्श्वे देयतल तुला रूपः। भगवान सूर्य नारायण को कार्तिक अमावस्या दिन दीपदान करिवार अनेक महत्व रही। अनेक पुण्य फल रही। तेणु प्रथम दीप भगवान सूर्य नारायण को उद्देश्य आम समर्पण करवा। द्वितीय दीपदान घरे थिबा देव मंदिर रे करिबा। भगवान श्री हरि को उद्देश्य रे गृह मंदिर रे थिबा समस्त देवादेवी को उद्देश्य रे आमे दीप समर्पण करिबा बा दीपदान करिबा। चेष्टा करिबा कि आम देव मंदिर रे आठटी दीप लगेबा पाए। आठटी दीप अष्ट सिद्धि प्राप्ति पाए लगाइबा निहाते जरूरी। तेणु आपण चेष्टा करंतु आपणकर देव मंदिर रे आठटी दीप लगेबा पाए। तृतीय दीपदान माता वृंदावती को पाखरे प्रज्वलन करिबा। शास्त्र कहते घृत दीपेन धूपेन सिंदूर चंदन च नैवेद्येन च पुष्पेण चौपचारेण नारद
तेणु तृतीय दीपदान माता वृंदावती पाखरे समर्पण करिबा। चतुर्थ दीपदान अंला वृक्ष पाखरे करिबा दरकार। कार्तिक मासरे समस्त देवादेवी सहित प्रभु श्री नारायण अंला गछरे बास करंतु। एणु कार्तिक अमावास्या दिन चतुर्थ दीप अंला वृक्ष पाखरे दबा उचित। पंचम दीपदान अस्वस्थ बा बटवृक्ष मूलरे रहिबा उचित। अस्वस्थ वृक्ष रे समस्त देवादेवी निवास करिथांती। विशेष भाव रे अस्वस्थ वृक्ष होची भगवान श्री हरिंकर स्वरूप एवं बटवृक्ष बा बरवृक्ष होची बरगछ होची बटकेश्वर महादेवंकर स्वरूप। एणु पंचम दीपदान आमे बर एवं अस्वस्थ गछ मूलरे दबा। छ नंबर दीप गोगष्ठ रे दबा उचित। गोगष्ठ कहिले आपणंकर गुरु गाय माने रहुतिबा घर बा जाहाकु आमे कहुचे गुहाळ। जदि आपणंकर गुहाळ नाही ताले आपणक घर पाखरे जदि गोष्ठ थिबो गोगष्ठ थिबो बा अन्य कहार गोगष्ठ रे मध्ये आपण दीपदान करि पारिबे। सात नंबर स्थान होची आम रोसेई घर। माता लक्ष्मी माता अन्नपूर्णांकर अति प्रिय अटे। एणु आमे सबुबेले आम रोसेई घर को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा सहित ए कार्तिक अमावास्या दिन बा दीपावली दिन गोटे दीप प्रज्वलन निश्चित करिबा। तेणु सात नंबर स्थान होची आमर रोसेई घर। आठ नंबर स्थान होची शिवालय अर्थात महादेव मंदिर रे ए दीपावली दिन बा कार्तिक अमावास्या दिन निश्चय गोटे दीपदान करिबा। शास्त्र कहंती जब कुर्यात कार्तिक अमासी शोभनम दीपमालिकम घृतेन च चतुर्दश्यम अमावास्याम विशेषतः। आठ नंबर स्थान होची शिवालय। नौ नंबर स्थान होची चतुष्पद अर्थात चारि दिग को बाट थिबा स्थान बजा को हम कहू चौछक चारि छक। शास्त्र कहते गिरी प्रपात गहने चैत्य स्थान चतुष्पथे दीपदाता भवे नित्यम जय चेत भूतिमात्मन। एणु चतुष्पथरे निहाति दीपदान करिबा। आपणक पाखापाखि चतुष्पथ नाही बा चारि दिग को बाट बा चारि छक नाही ताले आपण गोटे खुला स्थान रे धला मुरुजरे गोटे क्रस चिन्ह करदेवे एवं से क्रस चिन्ह उपरे दीप प्रज्वलन करिबे। दस नंबर दीप होची पितृपुरुषंक उद्देश्य रे अर्थात आपणकर दिवंगत पितृपुरुषंक उद्देश्य रे निहाति अमावास्या दिन दीपटिए प्रज्वलन करिबा बा दीप समर्पण करिबा। दर्शक बंधु एही दसटी स्थान रे दीपावली अमावास्या दिन निहाति दीपदान करिबा उचित। कारण कार्तिक अमावास्या होची एक मूल्यवान एवं दुर्लभ रात्रि। एही दिन को मध्य आम शास्त्र सुखरात्रि बोली कहंती। शास्त्र कहंती कार्तिके मासे शुक्लादौ तिथु च कुंकुमासके सुखाय सुखरात्रि स्यात् काय राष्ट्र सुखाय वै। अर्थात ए अमावास्या दिन माता लक्ष्मी निद्रा भंग करिथांती। एणु माताको प्रसन्न करिबा पई एही दिन एही दसटी जगारे दीप प्रज्वलन करिबा बा दीपदान करिबा निहाती उचित। दर्शक बंधु ए थिला दीपावली दिन क्यों क्यों जगारे आमे दीप प्रज्वलन करिबा। एबे आसंतु जानिबा आमे केमिति दीप प्रज्वलन करिबा कोन रहिछि शास्त्र रे दीप प्रज्वलन करिबार विधि। प्रथम कथा हला कि आमे जे दीप प्रज्वलन करिबा ताहा शुद्ध होइतिबा दरकार। आपण आपणकर देव मंदिर रे माता वृंदावती को प्रभु सूर्य नारायण को देवादिदेव महादेव को जदि आपण पित्तल दीप समर्पण करिबा पई चाहंती ताले से दीप को भल भाव रे सफा करी शुद्ध करी देबे। आपणक पाखरे एते गुले पित्तल दीप क्रय करिबा पई शक्ति सामर्थ्य नाही ताले आपण माटी दीप प्रज्वलन करि पारिबे। मन रखिबा दरकार कि आमे नुवा दीप प्रज्वलन करिबा काहे कि ना मूर्तिका दीप थरे जळिला परे ताहा उद्दिष्ट होई जाय तनु पुनर्बार से दीप आउ पूजा कार्य रे लागे नाही। तनु प्रथम कथा हला कि आमे जो दीप प्रज्वलन करिबा से दीप शुद्ध होइतिबा दरकार। दुई नंबर कथा मन रखंतु। द्वितीय कथा हला कि जेतेबेले आमे दीप प्रज्वलन करिबा दीप को केबे तळे रखिबा नाही। समस्त दीप को कोनोसी पत्र पुष्प जपधान अक्षत बा कोनोसी पात्र रे आमे दीप को संस्थापन करिबा। शास्त्र कहंती सर्वं सहा वसुमति सहतेन तदन्द्वयम् अकार्य पादघातम च दीपतापं तथैव च। तेणु दीप को आमे सीधा सळक भूमि उपरे न रखी
दीप तले कौनसी आसन अक्षत जवधान पुष्प पत्र जहाँ आपण मिलिबो आपण दीप तले रखिबे। तीन नंबर कथा हूँ गोटे दीप प्रज्वलन कर सारा आपण हाथ धोई आउ गोटे दीप प्रज्वलन करेंगे। शास्त्र कहते दीपम स्पृष्टा तुजा देवी मम कर्माणि कारे तस्यापराध त्वे भूमि पापं प्रप्नोति मानव। तेणु दीप प्रज्वलन कर सारे आम हस्त प्रक्षालन करवा हाथ धोवा तापर आउ एक दीप प्रज्वलन करवा। दीप प्रज्वलन करार चारि नंबर कथा है जो दीप आम प्रज्वलन करवा भगवान क्यों पाखे रखा। शास्त्र कहते घृत दीपे दक्षिण तैल दीपस्तु वामत। जदि आप भगवान को घी दीप समर्पण करेंगे ताल घी दीप को भगवान डाण पटे एवं तैल दीप को भगवान वाम पार्श्वे रखिए। पंचम कथा है कि आम जिते कार्तिक अमावास्या दीपावली अमावास्या दीप प्रज्वलन करवा दीप दान करवा दीपर मुह क्यों दिगक रखा। शास्त्र कहते आयुर्द प्रांगमुख दीप धन दुख प्रत्यंग मुख दीप्त हानि दो दक्षिणा मुख। अर्थात दीपर मुख पूर्व दिग को रखिले आयु वृद्धि होता है उत्तर मुखा कले धन प्राप्ति होता है। तेणु आपण जिते दीप प्रज्वलन करेंगे दीप दान करेंगे दीपर मुख सब पूर्व किंवा उत्तर को रखिए। छ नंबर कथा है दीपरे आपण क्यों प्रकार बलिता देवे तुला बलिता देवे ना कपड़ा बलिता देवे। शास्त्र कहते कृतमणिमय कार्यम त्रेतयम हेम संभव पटजम तापरे प्रोक्तम कार्पासम तो कलो स्मृत। तेणु कली जुगरे कार्पास बलिता बा कपा बलिता बा तुला बलिता दीपरे दबा उचित। सात नंबर कथा हूँ दीपरे जो बलिता दबा केते बड़ दबा। शास्त्र कहते कार्पास वर्तिका ग्राह्य न दीर्घा न तो सूक्ष्म का जो बलिता आम दबा ताहा अति बड़ हो नथिबो कि अति छोट हो नथिबो। आठ नंबर कथा है कि दीपरे आम केतेटा बलिता दबा आपण चेष्टा करंतु प्रत्येक दीपरे दुई दुईटा बलिता दबा पाए। जदि आपण तैल दीप दौंटे तैल दीपे रक्तवर्ण वर्तिका देवे लाल रंग वर्तिका देवे। जदि आप घृत दीप घी दीप प्रज्वलन करेत वर्ण धवल वर्ण वर्तिका धला बलिता आप संस्थापन करेंगे। दीप प्रज्वलन कर सारे क्यों मंत्र आम उच्चारण करवाऊति आम उच्चारण करवा दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हर तुमे पापम संध्या दीप नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम मारोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर नमस्तुते। यही मंत्र को आपण उच्चारण करिबे। दर्शक बंधु आसंता दीपावली अमावास्या दिन आपण एही भाव रे दीप प्रज्वलन करंतु दीपदान करंतु देखिबे ताहा आपणक पई बहुत शुभकारक रहिबो बहुत लाभदायक रहिबो। माता महालक्ष्मी शुभ दृष्टि आपणक उपरे निश्चय पड़ दर्शक बंधु आज एति पुणी आसबि आगामी अध्याय आउ एक टॉपिक नहीं सेपर्यंत आपण माने भलर थांतु खुशी रे थांतु मते विदाय दंतु रहिली। जय मा सरला जय गुरुदेव।